दिन की शुरुआत अगर सब्जी और फल से हो जाना इंसान की तो वो कामयाब है, कोई नहीं रोक सकता फिर उसे। लेकिन यार अजय भैया चले गए होंगे तो मुझे लग रहा कि आज का ब्रेकफास्ट मेरा ठंडा हो जाएगा ऐसे ही रखे रखे। और लक्ष्य और रचित ब्रेकफास्ट बनवाने के मामले में बिल्कुल ही पद्धड़ पू है, कुछ भी बनवा के रख दे साला। आज ये शर्ट मैंने कम से कम 1-1.5 साल बाद पहननी होगी। मुझे ऐसा लगे कि इस शर्ट में मैं कुछ ऐसा दिखूं जैसा एक सीरियल में वो नहीं होता हराम सा ससुर हो बहुत ज्यादा। आज घर देखने चलना, आज तो ऐसा फजीता हुआ। मम्मी आई, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी को कि इस वाले उसमें मत जाइयो, इसका वॉश बेसिन खराब है, क्योंकि जिस दिन मैं घर गया ना उसी दिन खराब हुआ, इसमें पाइप लीक हो गया वो। फिर मम्मी उधर गई तो मम्मी उधर जाके कह रही कि इसका जो वॉशरूम है इसका तो फ्लश भी तुम्हारा काम नहीं करता, वो वैसे ही दिख रहा था ना ऊपर से। मैं कहा उसमें भी मत जाइयो। फिर मम्मी उधर जाने कहने लगे, मैं कहने लगा मैं उसकी कुंडी ना थोड़ा सा दबा के करना पड़े, नहीं तो ऊपर से थोड़ा वो है, सर्दियों में थोड़ा गेट वो है। मम्मी कहने लगी तुम किनार लो, मैंने सब ठीक था, आज ही आ रहा ठीक करने वाला, सारे बाथरूम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद चलो वो कुछ नहीं, फिर ये वाला गेट लॉक हो गया मम्मी से, वो अंदर से दबा के उन्होंने बंद कर दिया, कपड़े अंदर रह गए। फिर उसके बाद गेट खुलवाने वाला बुलाया, वो तो 350 रुपए लूंगा 400 रुपए लूंगा। मगर भाई चुपचाप खोल ले यार, मेरे से बता दे तू जितने लेगा। उसके बाद क्या हुआ, कुकाए अजय भैया पहले तो फिर नमक के जमे जो है वे इतने गंदे बनाए भैया ने, इतने गंदे बनाए मतलब उससे खराब उन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया। उसके बाद सुबह चाय बनाई उसमें चीनी डालनी भूल गई, फिर दाल मखनी बनाई तो रोटियां कच्ची बना दी भाई। और मम्मी क्या कह रही थी कि रिफाइंड में ना कुछ मत खाया करो, देसी तेल में या फिर घी में ही तलवाया करो सब कुछ। ऊ भैया जब घी में और उस सब में करें, आज ही रिफाइंड लेगा भागे फिर रहे। मम्मी ने जबरदस्ती वापस रखवाया, मगर भाई आज तो सारे काम वे उल्टे हो रहे जो कभी होने नहीं चाहिए थे। मम्मी यही कह गई बस कि नालो ही जी रहे तुम यहाँ, मगर बस क्या ही कहते कहने लायक बचे नहीं अब तो यही हो गए। घर आ जाओ वापिस, चल ले अब घर देखने किस टाइम बुला रहा हूँ, 1:30 बजे। चलो 1:30 तो बज लिया नहीं पर लेकिन हल्का सा 10-15 मिनट लेट जाओगे, वरना सोचेगा लड़के खाली है ना, ज्यादा चाना हो रही दिखे। सबसे बड़ा रूल है अपनी इमेज अच्छी रखने का, कभी भी डेस्परेट ना दिखो। ये जो तुम लड़के ऐसे लड़कियों के डीएम में पड़े रहो ना और सिर्फ एक कॉल पे अवेलेबल हो जाओ, 2 सेकंड में रिप्लाई कर दो, सबसे बड़ा रीजन है ये तुम्हारे इग्नोर होने का, समझ रहे ना। मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, मैंने पढ़ा है कहीं किसी बुक में, रीड किया मैंने कहीं। HS for a reason है तू, HS नहीं HM, हस्बैंड मटेरियल। HNM की फुल फॉर्म भी हस्बैंड मटेरियल ही है, पता तुझे, वो जिसके कपड़े आए हैं हस्बैंड एंड मटेरियल। कौन आएगा? क्लीनर, उसे बुला देता मैंने, आज बाथरूम ये गंदे ही है, उससे अपना कंटेंट भी क्लीन करवा लिए। क्या भाई खुद ही बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा कर दिया यार 1 घंटा दिन में निकाल के खाने ही बना लो, यही रह जाएगा बल्कि घर में खुद ही बना लोगे तो, या शादी कर ले, तीनों में से कोई एक बंदा शादी कर लो। अरे भाई नौकरा नहीं बना ला रहे हैं यो, आज तो ऐसी कह दी, काट कर दी तेरी तो केला खाते हुए बिल्कुल कच्ची बात मार दी। एक बार फिर से दो देश के युवा निकल चुके हैं, आज बस लास्ट कॉल है फ्लैट की, अगर जहाँ जा रहे हैं ना अगर वहाँ भी नहीं मिला ना तो इस पूरे नोएडा में नहीं मिल सकता, क्योंकि आज बजट भी डबल करके ही जा रहे हैं। मैं ठीक है विला होना चाहिए बढ़िया, ले लेंगे जितने में भी होगा, उसके बाद हमें कहीं साउथ इंडिया में देखना पड़ेगा, नहीं कंस्ट्रक्ट ही करना पड़ेगा भाई फिर तो, है ना 4-5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, बनाएंगे अब तो, दे देंगे डोनेशन, मांग के देखे एक बार, गलती से भी इनसे पैसे ना मांग लिए आ जाएंगे, 1-2 करोड़ अबे फालतू दे दे के नीचे दिखा देंगे तुझे। ये घर बनवा देंगे हमारा, दिक्कत तो यो है, बात यो है ये घर बनवा देंगे 7-8 करोड़ का, उसमें सेंट्रलाइज ऐसी ये वो, उसका खर्चा नहीं पुगने का हमारे पे। फैमिली तो बहुत अमीर है, कुछ लोग तो ओडी मर्सिडीज वाले भी है हमारे यूट्यूब में, तो फिर एक डोनेशन का लिंक डालना शुरू करें हर वीडियो में, जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उतने डोनेट करता रहे। भाई गलत लोग हैं ये, बैंक सीज करवा देंगे, इतना पैसा है इस टाइम, कोई कोई तो बहुत ही अमीर है फैन फॉलोइंग में, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, इतने पैसे कहां से, इनकम टैक्स ऑफिसर भी है फैन फॉलोइंग में इस टाइम। नहीं यार मुझे ऐसा लगे हमारी फैन फॉलोइंग में गरीब है। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या फिर ऐसा नहीं है, जॉब वाले भी लोग हैं लेफ्ट, सीधा बोल दे कम पैसे वाले, नहीं इधर ही तो है पैसा ना कमाया, तकड़ा विला देख के आए अभी, वीडियो बनाई नहीं क्योंकि भाई फाइनल ना हो तो ऐसा ओनर के सामने वीडियो बनाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो रचित विला ऐसा है, अगर तू उसका रेंट पे कर दे तो मजा आ जाए, बेच सकूं मैं अपने आप को, बेच दे तब तो हो सके। अच्छा अगर रचित खुद को बेच के उसका रेंट पे करे तो तू एक्सेप्ट कर लेगा? रेंट नहीं, 2-1 साल का रेंट जावे रचित को बेच के। हाँ कहाँ लगेगी मेरी बोली, ये बताओ तेरी बोली लग सके बहुत तगड़ी, मेरी बोली वो लग रही का जो सुपारी देने वाला है, सुपारी नहीं स्वीटी सुपारी। पूरा दिन सो सो के निकाल दिया, अब उठा हूँ रिग्रेट करने के लिए, शनिवार की पूरी रात अब मैं रिग्रेट करूंगा, बाहर जाके थोड़ा खाना खाऊंगा, मतलब किचन में, बाहर का मतलब है रूम से बाहर, थोड़ी चाय पियेंगे। आज जब ये चाय लेके आए थे पर मैं सो रहा था, मैंने साफ मना कर दी, मैंने कहा नहीं चाय कितने भी
जरूरी हो बट आज नहीं जरूरी। और गाइस अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, पानी देखे काफी दिन हो गए तो देख लो यार कैसा पानी है, नमक का खारा कितना खारा है, क्या TDS चल रहा है नहाने के पानी का। हाँ वो तो देखा किंग ने मुझे स्टोरी शेयर करी, वो पोस्ट डाल ना, ये किंग मेंशन्ड अनदर किंग। ये किंग ने पोस्ट डाल ली 2 घंटे पहले, ठीक है। तू ये एक मीम जरूर शेयर करे अपनी पोस्ट में, मरना है तो मुझ पे मरो, व्हाट द फक इज डेड इनसाइड। लेकिन किंग अपना दोस्त है, किंग तेरा दोस्त है? करता तो रेडी MVM में खूब बत्ते चलो जा, हाँ बस फॉलो नहीं मारता, कहता भी नहीं मैं फॉलो कर दूँ। लेकिन किंग को मैं तब से जानू जब 300 के फॉलोअर थे, तब स्नैपचैट वगैरह पे खूब वीडियो शेयर कर रखा था, अब नहीं डालता यार। किंग की इस पोस्ट पे 2 घंटे में 3.5 लाख लाइक, बहुत घूमता रहा नोएडा इधर। इस फोटो पे लाइक इसीलिए है क्योंकि इसने मेरा मीम शेयर करा, लग रहा है अब इसका करियर तुम देख रहे हैं एमिनम से ऊपर जाने वाला है अभी। तीसरी स्लाइड में ये डल रहे हैं अपने हर पोस्ट के ना आखिरी स्लाइड में इसके में मीम रहे, किंग भी हमारे उस पर चल रहा कुछ यूनिक करने वाले है। बादशाह कहता हूँ कि तू आगे देख ले नहीं तू मान मेरी जान तो एंथम होना चाहिए। तू मान मेरी जान के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है रचित? अच्छा गाना है यार, मैं बहुत मुझे बिलो एवरेज लगे, मुझे किंग के सारे गाने अच्छे लगे, तू मान मेरी जान छोड़ गए। किंग के गाने ना मतलब नॉर्मली है, लिरिक्स को इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ वो मूवमेंट हो ना, वो वाला मूवमेंट हो तुम। अरे डीनो जेम्स और किंग के गानों का क्या है ना, ये थोड़ा रिलेटेबल बना है तो आदमी फील करे। लड़की साइड में बैठी है और तुम कहना गाड़ी चला रहे हो, अभी लोगों ने ना किंग के ना बात है ना, हम रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे, लड़की नहीं है लोग, एक एक जो अपनी कम्युनिटी है ना वो कृष्णा वाली, उसे छोड़ के लोगों ने ना किंग के बहुत अंडररेटेड गाने सुननी रखे। तू मान मेरी जान तो 20वें नंबर पे है, वो तो आर्टिस्ट की एक कला हो कि वो हमेशा वो चीज करेगा। हम भी वो वीडियो करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, हमें उसके लिए याद करा जा, बट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब मेरे से अगर पूछा जा ना तो बनाने का वो तो हाँ वो 50वें नंबर पे है मेरे लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियो जो मेरे लिए नंबर एक पे है, लेकिन उन्हें जो है उन्हें लोग क्रेडिट नहीं देते, मतलब वो लोगों को नहीं पसंद आती जो हमें पसंद आ गया बनानी। जैसे बियर बाइसेप वाली वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है मेरी, तरुण गिल वाली वन ऑफ द फेवरेट है, लेकिन लोग कैसे जानना है कि यूट्यूबर से टिकटॉक से या कभी बाबा का डावा MLM वाली होगी। हमारी फेवरेट वीडियोस दूसरी हैं, वही जिन पे मेहनत ज्यादा लगे वो वाली। ये तो सोशल मीडिया का फैक्ट है, जिस चीज पे तुम मेहनत ज्यादा कर दोगे ना वो कभी नहीं चलती। रील जो हमें 1 मिनट में सोचा है ना वो तो ज्यादा है मिलियन 1 मिलियन 2 में। और जिसे मैं रविकांशु बैठ के मोनोलॉग याद करते रहेंगे कि वापस टेक ना लेना पड़े, रीटेक ना हो, सिंगल टेक मजा दो, वो कुछ नहीं। वो शादी वाली कितनी मेहनत से बनाई थी हमने, कम से कम 4 घंटे में बनी थी। अरे वो दिवाली वाली वो टेबल पे करी थी, हाँ लेकिन वो चली, वो चली गई थी, वो तो चली थी। ये भाई MRF पे टायर क्या कर रहा है भाई? वही कर रहा है, आपके पड़ोस में 3 भाभी हैं, चैट करें। अभी जो स्कैरी सीन हुआ वो शायद बताया नहीं। अभी क्या हुआ, मैं अपना एक फोन तो चला रहा, ये वाला ये हर्ष का फोन मेरे सामने रखा। नहीं, मैं बताऊंगा क्या हुआ। तो मेरे पे कॉल आई पता नहीं कैसी, और वो क्या हुआ अभी नहीं ऐसे नहीं बताओ। मेरा ये वाला फोन तो मेरे हाथ में था और रचित अपना फोन यूं लिए बैठा गाने सुन रहा, और हर्ष का फोन भी वहां सामने बेड पे रखा। तो ना फोन बजा, मतलब ऐसा लगा कि मेरे रूम में फोन बज रहा है, एक आईफोन वाली रिंगटोन थी। सारे फोन रूम मैंने जेब पे हाथ लगाया, मगर दूसरे वाला भी यही। तो बाहर फोन किसका बज रहा रात को, रचित निकला तो यहाँ बाथरूम में आवाज आ रही फोन बजने की। भाई मेरे तो सांस थम गई थी, मगर आज तो नहीं। मैं उधर से निकला ना, मैं कहो यार अभी हमारे फ्लैट में सीरी कहाँ से आ रही बाथरूम में से, मगर आज तो सावित्री आ गई दिख के। सावित्री आई तो फिर मैं धीरे धीरे चल के आया, देखा तो स्टूडियो में सारी बाथरूम में। फिर मेरे याद आया कि आज मैकबुक जो रीसेट करी थी ना उसमें मेरी एप्पल ID लॉगिन थी, तो जो कॉल इधर आ रही वो इधर भी आ रही थी। बाथरूम में मुझे पता क्या लगा कि मैं जो पुराने वाला फोन ड्रोर में रखा वो बजना शुरू हो गया खुद ही, जबकि वो स्विच ऑफ करके रखा था मैंने फोन। वैसे भी हम बात कर रहे थे उस रूम में, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं चल दिया वहां से, मैं कहा तेरा फोन आ रहा ला उठा के लाऊं, ये कह लगा मेरा फोन तो मेरे पास ही है यार, यो किसका बज रहा फिर। तो खिसक गई थी आज तो जमीन, उससे पहले भूत की बात ही कर रहे थे हम बैठ के भी। बात हो रही थी कि कैसे सपने आ रहे हैं कैसे नहीं। तो आजकल ऐसा हो रहा कि मुझे ना उस रूम में सोते ही जो सपना आ रहा है लाइफ में उससे उल्टा हो रहा। जो भी सपना आ रहा, अगर अच्छा सपना आ रहा तो बुरा हो रहा, बुरा सपना आ रहा तो लाइफ पूरी हैपनिंग चल रही। तो अब दुआ करो कि आज रात फिर सब बुरा सपना आए। बड़े मेरा माइंड तो एग्जॉस्ट हो चुका है सपने देख देख के। क्या हो सके इसका इलाज, किसी बाबा बब्बा के द्वारा जाए क्या करें? मैं घर पे सोऊं तो कोई सपना नहीं कुछ नहीं, ठीक है। मैं इस वाले जैसे कल रात सोया मैं, कोई सपना नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। और मैं तो तेरे कमरे में 2 बार सोया यार, दोनों बार में सपना आया। वहाँ तो उल्टा ही सारे, जब 12 बजे सो जाऊं तो पैर से एक वहाँ टाइम एक पानी से चलने की आवाज आती रहेगी, एक अजीब सी खटखट खट की आवाज आती रहेगी, एक आराम से ऊपर म्यूजिक बजता रहे, वॉशिंग मशीन है वो क्या है वो आता रहे पूरे दिन ऐसे।
भाई, लेकिन मेरे समझ नहीं आता है वॉशिंग मशीन पूरी रात रात भर, मुझे टाइमर तो 30 मिनट बाद बंद हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना कोई चीज ला रखी जिसमें कुछ पीसफुल बजे, वो एक राइम सी है जो बजे वो, या मुझे लगे एक वो ये वर्कर जो आवे ना वो टाइल साफ करने की मशीन, टाइल चमकाने की नहीं आती वो, वो रात को ही चले। नहीं यार इतने ऊपर अगर चलेगी तो कहाँ आवाज आ जाए। अभी सुनिए आ रही थी वो जब बैठे थे अभी। अरे वो तो यार हो गया, वो बिल्कुल जब शांति हो ना तब आवे वो। अरे तब इतनी जब बिल्कुल शांति हो तो ऐसी आवे यार चुभने वाली हो। पापा का फोन आया तो यूं कह रहे थे कि ब्रो पैक अप कर लो, घर ही आना पड़ेगा, योर लाइफस्टाइल इज टू वीक। हाँ मम्मी के सामने, भाई मम्मी के सामने तो आज ऐसा फजीता हुआ, ऐसा फजीता हुआ, ऐसा भी फजीता नहीं देखा मैंने। दीदी का वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश था वो गाड़ी में रह गया, गाड़ी घर से लेके चला गया कल, और मैं उसे सुबह टूथब्रश देने वाला था, मुझे लगा सारे खत्म होंगे जितने हमने लाए थे, एक रखा हुआ था, मगर आज तो जितने काम होने थे ना सब उल्टे ही हुए। सब 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 टूथब्रश तरह दो पड़े थे शायद दो। आज ऐसा काम हो गया कि खत्म प्रूव हो चुके हर एस्पेक्ट में। और अजय ने तो भाई शुरू से मैं नंबर कटवाया। क्या हुआ था कई सारी वीडियो की वजह से मैं कई सारे काम पेंडिंग थे मेरे, मॉल जाना इधर उधर जाना, तो कल वीडियो खत्म हुई तो मैं शर्ट का बटन बंद कर बीच वाला, तो मैं चला गया मॉल जूते उत्ते लेने। मैंने जूते उत्ते ले लिए, फिर मैं एक मेरा दोस्त है उसे बैंगलोर निकलना, उसकी जॉब लग गई बैंगलोर, उसके पास चला गया, उसने रात में रोक लिया। अब रात में आई हुई थी आंटी और दीदी, मतलब एक साल में वो पहली बार आए और जो उसी रात में गायब रहा, और हमें एक बजे रात को मूवी देख कर वहाँ एक्सीडेंट हो गया। और बस उसी रात की बात है, फिर सुबह में अजय भैया बिना चीनी की चाय ले आए, नमक के जगह खराब बना दिए, कच्ची रोटी बना दी, बाथरूम सारे खराब हो गए भाई, वो हो गया बाकी दिन चंगा त्योहार। और आज तो वो भी जो सफाई करने आया है ना बाथरूम की, दो बाथरूम सफाई करेंगे, तीन के पैसे लेंगे, जब उसे कम दें जब तो खड़ा हो गया। क्या है नहीं, मैंने उसे दो के कहा था, लेकिन जब उसने पैसे लिए ना तब नहीं कहा उसने, बुलाऊंगा नहीं कल बुलाऊंगा नहीं का, मतलब इतना सब कुछ हो गया कि एक्सक्यूज नहीं है भाई। भाई मम्मी हो गया ना तो तुम्हारे कोई से बाथरूम में गर्म पानी आता ना, एक किसी का टंकी नहीं चल रही। एक साल डेढ़ साल हो लिया फ्लैट पे, तीन में से एक बाथरूम का स्वाद नहीं है, तीन में से एक बाथरूम चल रहा है। नहीं पता कल सुबह किस में जाके पोटी करी जा, अरे होगी तो डूब ही जाएगी, किसी का जेट खराब, किसी का फ्लश खराब, किसी को कुछ खराब, गीजर चले शावर खराब, गीजर चली गया लाइट खराब, यू भी तो बहुत रहे, जिसका सब कुछ चले उसकी लाइट नहीं चलती। भाई ये अगर आपका बाथरूम बढ़िया है ना, चंगा है, तो फ्लैट बढ़िया है, नहीं तो खत्म है। हमने देख ऐसा बताऊंगा, सबसे पहले एक छोटा गीजर हमारे रूम वाले बाथरूम में था, उसका ढलान है तिरछा, वहां कोई नहा नहीं सकता, वो गीजर हमने हर्ष वाले बाथरूम में लगवाया। फिर यहाँ पे पुराना गीजर था इस वाले बाथरूम में, स्टूडियो वाले में, यहाँ पे बड़ा गीजर लगवाया नया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये इस बाथरूम में लीकेज हुई, इसकी लाइट तीन बार रिपेयर कराई, तो हमें लगा कभी किसी दिन करंट लग जाए, तो ये वाला गीजर उधर लगाया, उधर वाला इधर लगवाया, और करंट की वजह से इधर वाले का कनेक्शन नहीं करवाया। अब उधर जाने लगे तो क्या हुआ कि सर्दियों में वो गेट वो ना कॉन्ट्रैक्टर वो हो गए, वो तो, ना वो या लकड़ी का गेट फूल जा थोड़ा सा, तो वो बंद नहीं होता, तो वहां यहाँ वाली समस्या आ गई। अब घर वालों को ना थोड़ी कहेंगे तेज बंद करो ये करो, हमारे वाले बाथरूम में वो गेट वैसे लोक वाला, उसकी चाबी नहीं हमारे पास, अगर कोई अंदर से दबा के बाहर निकल जो वो बंद हो जाए, 400 रुपए में उसे खोलने वाला है। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि हमेशा एक बाथरूम चले, ये चलेगा तो वो दो नहीं चल लेंगे, वो हमारे फ्लैट से, और जब सब चले तो इनकी लाइटें खराब हो जाए। बाहर से फ्लैट पे वो लगा दे एक स्टिकर 13B का, वो ही बना दे। पता क्या हुआ कल, एक दिन क्या हुआ, मतलब अगर तुम खाना खा रहे हो ना तो भी रुक जाइयो, मैं हग रहा, हगने के बाद मैं जेट वो करा, जेट की टोपली गिर गई निकल के, पानी इस तरह फैल रहा उसमें, मतलब बीच में मैं बड़े पिछवाड़े के साथ जेट पहले कसा ठीक करा फिर धोया, ये हालत है यार। और निहाल ने मुझे सुबह उठाया उस दिन जब ये वाला बाथरूम लीक हुआ, सुबह उठाया कह रहा भाई पानी की आवाज आ रही, बहुत तेज तेज पानी की आवाज, मुझे वो दिन याद आ गया, मैं गया भाई पर उठा ले, बाद में बुलाओगे ठीक करने वाले को, तो वो देखा जैसे नीचे से बंद करा ना वो हो गया बंद, मगर ठीक है भाई इस फ्लैट में ना पानी की दहशत है मेरे अंदर, कहीं से लीक इस फ्लैट को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। वही इस फ्लैट में वही है, नींद से उठोगे ना तो वही होगा, आई एम अंदर द वाटर।